हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सृष्टि एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार यूनिक ऑनलाइन गुरु में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। चलिए तो आप लोग फटाफट इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए लेके आए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करने की कोशिश करिए। आप लोगों को पता है आजकल की कंप्यूटर की क्या डिमांड है, कंप्यूटर की आपकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बेसिक कंप्यूटर। आज हम आपको बताएंगे पूरा कंप्लीट बेसिक कंप्यूटर के बारे में कि अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसमें हमें ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए जिसको लेकर के हम अपने कंप्यूटर के वर्क को, अपनी कंपनी में जो भी हमें कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क होंगे उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाए। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि क्या है ऐसा बेसिक कंप्यूटर जो कि हमें पता होना चाहिए किसी भी कंपनी में वर्क करने के लिए। तो प्लीज आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। अभी तक जो लोग भी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग फटाफट इस चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिले वो आप लोगों के पास पहुंच सके। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर बेसिक नॉलेज, हम आज देखेंगे कंप्यूटर कैसे, कौन से बेसिक नॉलेज है जिसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जैसे सबसे पहले आपका आ जाता है डाटा एंट्री। डाटा एंट्री का वर्क अगर आपको करना है तो उसमें हमें ऐसे कौन कौन से चीजें होनी चाहिए कंप्यूटर में, जो सारी चीजें आए तो हम जा करके अच्छे तरीके से अपने डाटा एंट्री के वर्क को कर सकते हैं। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो आपको कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। होटल मैनेजमेंट का वर्क आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। शॉप अगर हो गया, टेलीकॉम कंपनी कोई है, बैंक अकाउंटिंग है, मतलब आजकल आप दोस्तों जानते हैं कि हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, अगर मुझे कंप्यूटर का वर्क करना है तो उसमें मुझे छोटी छोटी जो भी सारी चीजें आती हैं वो मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब हमें पूरी अच्छी तरीके से कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो मैं अपनी जो हमारी जॉब होगी उस जॉब को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ओके, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि अगर हम डाटा एंट्री ऑपरेटर या होटल वर्क हाउस, क्योंकि आजकल जो आपका कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर आपका हर जगह है, डेली लाइफ यूजेस में भी कंप्यूटर की बहुत ज्यादा डिमांड है। आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं या फिर आप कहीं मॉल में, आप किसी होटल में वर्क करते हैं, तो हर जगह आपके क्या लगे हुए सिस्टम, यानी कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, सारी चीजें, तो हमें उसी पे वर्क करना होता है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बेसिक कंप्यूटर के बारे में बताया जाए। जिन भी लोगों को नहीं पता है कि कंप्यूटर में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या करना होता है, तो बेसिक नॉलेज मैंने आप लोगों के लिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दोस्तों आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, तो कंप्यूटर बेसिक नॉलेज हम देख लेते हैं क्या है। तो बेसिक, सबसे पहले हम इसके देखते हैं कि बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए कंप्यूटर में। तो सबसे पहले आपका जो लैपटॉप होता है या पीसी होता है, डेस्कटॉप होता है, उसमें हमें सबसे पहले क्या होता है, स्टार्ट, मतलब हम सिस्टम को कैसे ऑन करेंगे, कैसे ऑफ करेंगे, तो वो पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक इस वीडियो में मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी। बस आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों को पूरी स्टार्टिंग से एंडिंग तक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप लोग बीच में वीडियो को स्टॉप करेंगे तो आप लोगों को जानकारी नहीं मिल पाएंगे दोस्तों। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो के लिए प्रॉपर, ज्यादा वीडियो नहीं, बस थोड़ा सा बस आप लोग को इन्फॉर्मेशन देंगे, तो प्लीज आप लोग जुड़े रहिएगा। ताकि किसी भी कंपनी में आपको कभी भी कहीं भी जॉब करनी हो कंप्यूटर से रिलेटेड, तो अगर आप ये सारी चीजें सीखे रहेंगे तो आप आराम से अपनी जॉब के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। तो कंप्यूटर को हम कैसे स्टार्ट यानी ऑन कर सकते हैं, रीस्टार्ट मतलब होता है कैसे हमें सिस्टम, जैसे आपके फोन यूज करते हैं, फोन अगर आपका हैंग करने लगता है तो उसको आप रिस्टार्ट वगैरह करते हो, तो ऐसे ही हमारे सिस्टम्स होते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, तो वो भी एक मशीन है, वो भी काम करते करते थक जाता है, तो उसको भी जरूरत होती है कि उसे भी रिस्टार्ट किया जाए। तो कैसे हम कंप्यूटर या लैपटॉप को अपने स्टार्ट यानी ऑन करेंगे, रिस्टार्ट, शट डाउन यानी सिस्टम को बंद करना भी होता है, तो वो होता है शट डाउन करना, कि जब आपके वर्क हो जाएंगे तो आप अपने सिस्टम्स को, जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसको करने के बाद आपके काम फिनिश हो गए, उसके बाद आप आराम से सिस्टम को बंद करेंगे, तो वो होता है आपका शट डाउन कहलाता है। सेकेंड नंबर पे आपका आ जाता है डॉक्यूमेंट जो आपके हैं उसको प्रिंटिंग करना, स्कैनिंग करना, कैसे कर सकते हैं वो सारी चीजें। फिर थर्ड नंबर पे दोस्तों आपका आता है कनेक्ट पीसी एंड लैपटॉप टू इंटरनेट। अगर आपको पीसी और लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए भी बताया जाएगा। एंटीवायरस क्या चीजें हैं वो आपको सारी चीजें, फिर बेसिक हार्डवेयर के बारे में, अकाउंटिंग जॉब, अगर आप कहीं जॉब करने जाएंगे जैसे आपको टैली भी आना चाहिए, एक्सेल भी आना चाहिए, एडवांस एक्सेल आना चाहिए, एमएस एक्सेल भी आना चाहिए, तो जो आपका ये एक्सेल होता है, ये एक्सेस
एमएस एक्सेल जो है, जो आपका एक्सेल का एक छोटा सा पार्ट है, तो जो आपका टैली होता है ये पूरा कम्प्लीटली आपकी क्या अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो किसी भी आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने जाएंगे कंपनी में, तो वहां पे आपको सारे के सारे इसी सारी चीजों पे आपको वर्क करना है। तो आप बढ़िया से बहुत सारे कोर्स होते हैं, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊं कि आप ऐसा कौन सा कोर्स भी कर सकते हैं जो कि आपको बेनिफिशियल होगा आप किसी प्राइवेट सेक्टर में कंपनी में जॉब करना चाहते हैं। तो बस आप लोग इस वीडियो से जुड़े रहे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके दोस्तों, तो एक्सेल हो गया। एक्सेल पे जैसे आप किसी भी स्टूडेंट की मार्कशीट वगैरह बनाना था, डाटा एंट्री का वर्क मैंने आपको आगे बताया ना, डाटा एंट्री का वर्क करना हो गया आपको, ऑपरेटर का वर्क करना हो गया, तो आपको एक्सेल पे भी वर्क करना था, क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो सारी की सारी आपको इन्हीं सारी चीजों पे आपका वर्क कराती हैं। एडवांस एक्सेल आपका एक्सेल से भी थोड़ा सा एडवांस एक्सेल होता है, ये आपको बताया। जब आप कोई बेसिक कंप्यूटर का कोर्स करेंगे तो बहुत सारे कोर्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि आपका ट्रिपल सी हो गया, डीसीए हो गया, एडीसीए हो गया, बहुत सारी चीजें, टाइपिंग भी आपको मस्ट होनी चाहिए, तो मैं आगे आपको सारी चीजें बताऊंगी। ओके, तो ये हो गया कि बेसिक में हमें इतना पता होना चाहिए कि हम कैसे लैपटॉप एंड पीसी को ऑन करें, ऑफ करें, और उसमें बेसिक समान डॉक्यूमेंट्स, अगर हमें प्रिंटिंग करना है, स्कैनर करना है, तो उसके लिए हमारे पास प्रिंटर होना चाहिए, तो प्रिंटर को कैसे हम अपने सिस्टम से कनेक्ट करें, तो वो सारी चीजें, एंटीवायरस के हमसे बेसिक हार्डवेयर, आपके जैसे रैम हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है, आपके हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, तो वो सारी चीजें हैं दोस्तों। ओके, तो आगे देख लेते हैं क्या है मॉडरेट। हमने यहाँ पे देखा बेसिक में कि हमें कैसे सिस्टम ऑन ऑफ करना है, डॉक्यूमेंट को कैसे हमें प्रिंटिंग और स्कैनिंग करना है, कनेक्ट अगर हमें अपने पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर एंड लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे आ जाता है मॉडरेट, मतलब हमने बेसिक में तो जाना ऑन ऑफ करना, देन और भी सारी चीजें। अब मॉडरेट मतलब होता है मध्यम, मतलब उन सारी चीजों के बाद हमें और भी इसके साथ क्या सीखना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपनी कंपनी में अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो उसको और भी बेहतर बना सके। तो दोस्तों मॉडरेट मतलब होता है मध्यम, मतलब बेसिक मैंने ये जाना, इसके बाद हम जाते हैं इसके मध्य हमें, जैसे कि कॉमन कीबोर्ड शॉर्टकट, आपके कुछ शॉर्टकट कीज होते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर में शॉर्टकट की का भी बहुत ज्यादा रोल होता है। अगर आप माउस में आपके 3 बटन्स होते हैं, लेफ्ट राइट एंड स्क्रॉल बटन, अगर आप माउस का कम से कम यूज करना चाहते हैं, आप कीबोर्ड के मास्टर बनना चाहते हैं, तो कीबोर्ड के लिए आपको कॉमन जो कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज होते हैं, अगर आप सारी कीज के बारे में जान लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको कम से कम माउस का यूज करना पड़ेगा, आप कीबोर्ड से सारे के सारे जल्दी से कर लेंगे। ओके, तो कॉमन कीबोर्ड के शॉर्टकट की, जैसे आपके बहुत से शॉर्टकट कीज होते हैं, तो वो सारी चीजें आपको इसमें आनी चाहिए। एमएस ऑफिस का आपका एक पैकेज होता है, एमएस ऑफिस का पैकेज, जैसे इसमें आपको एक्सेल हो गया, पीपीटी हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेस हो गया। जो एक्सेल होता है मैंने अभी आपको आगे डिफाइन किया था दोस्तों कि एक्सेल पे आपका जो होता है डाटा एंट्री करना हो गया, मार्कशीट वगैरह बनाना हो गया, जितने भी डाटा एंट्री के वर्क करते हैं वो सारी की सारी चीजें आपको एक्सेल में सिखाया जाता है। वो चाहे आप कोई भी कोर्स करेंगे बेसिक से एडवांस तक, तो उसमें ये आपका पूरा बेसिक एमएस ऑफिस में आपको ये सिखाया जाएगा कि एक्सेल में कुछ फॉर्मूला होते हैं, सम का फॉर्मूला आपका होता है, सबट्रैक्शन होता है आपका, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे बताएं। पीपीटी यानी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपकी जो एनिमेशन वगैरह होती है, ये सारी चीजें बड़ी बड़ी हमारी पीपीटी बना के लोग आपकी स्टडी कराते हैं, तो पीपीटी बनाने के लिए भी आपका ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पे। फिर एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड जो होता है आप एमएस वर्ड पे टाइपिंग भी कर सकते हैं, टाइपिंग भी होता है आपका, उसके बाद से आप रिज्यूमे हो गया, बायोडाटा हो गया, ये सारी सारी चीजें क्या होती है हम लोग एमएस वर्ड पे सीखते हैं, तो ये आपको मस्ट होना। एमएस एक्सेल भी आपका मैंने बताया कि एक्सेल का एक छोटा सा पार्ट होता है। फिर आपकी सबसे मस्ट दोस्तों आ जाती है टाइपिंग, टाइपिंग भी आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए, जो कि आपकी दो टाइप की टाइपिंग होती है। फर्स्ट आपकी टाइपिंग हो जाती है इंग्लिश, आपकी इंग्लिश टाइपिंग होती है, प्लस दोस्तों आपकी हिंदी टाइपिंग होती है, ठीक है, ये आप दो टाइप की आपकी टाइपिंग होती है, इंग्लिश और हिंदी। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि सारा का सारा वर्क, और हिंदी टाइपिंग आती है तो बहुत ही मस्ट है आपका कि आपको हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश और हिंदी, और दोनों ही अगर टाइपिंग सीख लेते हैं आप तो बहुत अच्छी बात। कोई इंसान अगर एक सिर्फ उसे इंग्लिश आती है, वो इंग्लिश का वर्क कर रहा है, अपना जॉब कर रहा है इंग्लिश से रिलेटेड, अगर आपको दोनों आती इंग्लिश हिंदी और हिंदी, तो जो कोई अगला वाला बंदा वो कर रहा है सिर्फ खाली इंग्लिश का वर्क, अगर हिंदी इंग्लिश अगर आपको दोनों आती है तो आप दोनों वर्क आप खुद भी कर सकते हो। इससे आपके दो फायदे होंगे, जैसे कि आपकी आपकी जॉब भी अच्छी, आप जो आप काम एक ही बंदा अगर कोई काम कर ले रहा है सारा का सारा, तो उसके लिए बेनिफिशियल है, प्लस आपकी सैलरी भी इंप्रूव होगी, प्लस आपका ग्रोथ भी होगा, दोनों चीजें होंगी आपकी। तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों को सीख सकते हैं, टाइपिंग इसमें बहुत ज्यादा मस्ट होता है। अगर सिर्फ ओनली आप टाइपिंग सीखे तो भी बहुत अच्छे
आप वर्क कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। तो मैंने बताया दोस्तों कि आपके दो टाइप की टाइपिंग होती है, आप दो टाइप की टाइपिंग सीख करके अपना कर सकते हैं। हिंदी में आपके थ्री फॉन्ट्स होते हैं, आपका थ्री फॉन्ट्स होता है जो कि मंगल फॉन्ट्स होता है, कुर्तिदेव होता है, गैल होता है। तो अगर आप हिंदी के कोई एग्जाम देते हैं तो हिंदी में आपके हिंदी से रिलेटेड आपके अगर कोई भी यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी एग्जाम आपके देंगे तो आप में हिंदी के रिक्वायरमेंट होती है, तो आप हिंदी में अपना आराम से दे। तो थ्री फॉन्ट्स होते हैं, ज्यादातर आपका मंगल फॉन्ट जो होता है वो पूछता है, वो रिफर करता है कि आप कौन सा एग्जाम कैसे दे रहे हैं। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद वीडियो आ रही है पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लाए वो आप लोगों के पास पहुंच सके। ओके, तो मैंने बताया कि टाइपिंग, आपको टाइपिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें टाइपिंग का बहुत ज्यादा रोल होता है। फिर आपका इंटरनेट, इंटरनेट आपका होता है, इंटरनेट के बारे में भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये हो गया कि हमने देखा कि बेसिक में ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए, उसके बाद से हम बेसिक के साथ साथ मॉडरेट, मतलब इसके मध्य आपके कुछ शॉर्टकट कीज होते हैं, शॉर्टकट कीज पता होना चाहिए, आपका जो ऑफिस होता है फिर टाइपिंग होना चाहिए। और हाँ, एक बात और भी हम आपको बता दें, अगर कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो ऑनलाइन है ऑफलाइन, कोई भी बेसिक कंप्यूटर से लेकर के एडवांस कंप्यूटर के कोई कोर्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी वो परेशान ना हो, क्योंकि आपका जो अपना परिवार है यूनिक ऑनलाइन गुरु, यहाँ पर आपको पूरी कंप्लीट क्लासेस कराई जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे कोर्स होते हैं, डिपेंड करता है आपके पास टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि बहुत से क्या आपका 6 मंथ का होता है, 12 मंथ का होता है, 1 ईयर के भी कोर्सेज होते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों के लिए होते हैं। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर सलोरी में आ सकते हैं, अपना बढ़िया सा जो भी स्टूडेंट्स प्रयागराज में है, प्रयागराज के आसपास कहीं भी है, वो बढ़िया से आकर के हमारे सलोरी ब्रांच, अगर वो कटरा में है, हमारी कटरा में भी ब्रांचेज है मनमोहन पार्क के पास, वहां पे भी आप आकर के अपने बढ़िया से कंप्यूटर के बेसिक से एडवांस तक की क्लासेस कर सकते हैं। चाहे आपको कोई भी कोर्स करना हो, आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है पर्टिकुलर, तो आप कोई लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, सी लैंग्वेज हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, कोई भी। अगर आपको सिर्फ ओनली कोडिंग सीखना, कोई स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है कि सिर्फ हमें कोडिंग सीखना और बहुत अच्छे तरीके से हम कोडिंग को कैसे सीख सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो दोस्तों, तो बिल्कुल वो हमारे सेंटर पे आके विजिट करें या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहां पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, जिससे कि आप आराम से हमसे विजिट करके अपनी क्लासेस को बेहतर बना सकते हैं। हमारे यहाँ आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, चाहे वो BCA से रिलेटेड हो, O-level से रिलेटेड हो, ऑनलाइन देन ऑफलाइन, कहीं से भी आप कर सकते हैं, घर बैठे आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी क्लासेस को कर सकते हैं। तो प्लीज बस आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी किसी भी कोर्स से रिलेटेड। ओके, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होंगी, मैं ऐसा आशा करती हूँ। ओके, कहीं भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हुआ होगा दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भी आपको कुछ कांटेक्ट नंबर मेंशन कर दे रही हूँ, आप यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके डियर, तो ये सारे कुछ कांटेक्ट नंबर है, आप यहाँ पे जाके विजिट कर लीजिएगा, यहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप चाहे तो व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं आप, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे आप, उसके बाद अगर आप चाहें तो आप हमें ओनली कॉल भी कर, ठीक है, इन तीनों नंबर पे जा करके आपको चाहे ऑफलाइन वर्क करना हो, कोई भी आपको ऑफलाइन अगर क्लासेस करनी है, चाहे आपको ऑनलाइन करनी, आप यहाँ पे विजिट करिए, आपको यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो भी स्टूडेंट्स अगर BCA कर रहे हैं, अगर BCA की उनको क्लासेस नहीं मिल पा रही है तो दोस्तों आप लोग को परेशानी हो, क्योंकि आपका जो अपना परिवार है ये भी क्लासेस को करा रहे हैं, BCA फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट क्लास, तो आप आराम से BCA फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट क्लास को कर सकते हैं। कुछ भी आपको नहीं करना है, आपको सीधे जाना है प्ले स्टोर पे आपको जाना है, एक बढ़िया सा आपका एप्लीकेशन है यूनिक ग्रुप का, ये हमारा एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पे आपको कंप्लीट क्लास मिलेगी। क्योंकि अभी मैंने BCA का एक नया बैच स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है, तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम BCA की क्लास के लिए ऑफर का लाभ उठाएं, तो बिल्कुल आप लोग प्ले स्टोर से यूनिक ग्रुप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। और BCA का जो हमारा एक नया बैच है, संकल्प बैच, इस संकल्प बैच को आप ज्वाइन करिए, वो दोस्तों अभी आपको मिल रहा है मात्र दोस्तों आपको मिल रहा है ₹1500 में कंप्लीट क्लास।
ये आपको कंप्लीट क्लास बीसीए की मिल रही है मात्र 1500 रुपए में। आप 1500 रुपए में बीसीए संकल्प बैच को ज्वाइन करें और अपनी कंप्लीट क्लास को ज्वाइन करें, चाहे आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका फंडामेंटल हो, चाहे वो आपका सी लैंग्वेज हो, चाहे आपके मैथ्स की क्लासेस हो, बेसिक मैथमेटिक्स हो, जो भी आपकी क्लासेस। फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए बहुत सारे आपके सिलेबस होते हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे सिलेबस होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपको मिले, चाहे आपका पीसी सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, चाहे आपके पीसी सॉफ्टवेयर की क्लासेस हो, चाहे आपकी मैथ्स की क्लासेस हो, चाहे आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन हो, जो भी आपके सब्जेक्ट हो, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे पूरी कंप्लीट क्लासेस तक। और साथ ही आपको मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो आपको ये 1500 रुपए में आपको क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, आपको साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी, आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी मात्र 1500 रुपए में। तो प्लीज दोस्तों, आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं बीसीए की अपनी कंप्लीट क्लासेस को फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर हो, किसी भी सेमेस्टर की आप अपनी बहुत बेहतरीन तरीके से अगर क्लासेस करना चाहते हैं, तो प्लीज आप इस परिवार से जुड़िए। आपको बहुत ही कम से कम, जैसे मैंने बताया भी नहीं, अभी ऑफर चल रहा है, तो अगर आप भी चाहते हो ऑफर का बेनिफिट उठाना, तो बिल्कुल भी आप देर ना करते हुए आप फटाफट यूनिक ग्रुप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस ऑफर का लाभ उठा लीजिए, कहीं ये ऑफर और इस मौका आपके हाथ से छूट न जाए दोस्तों। ओके, तो आप मात्र 1500 में बीसीए की क्लास को ज्वाइन करिए और अपनी क्लासेस को बेहतर बनाइए। आपकी क्लासेस जो चल रही है शाम को 4 बजे बीसीए बेसिक मैथमेटिक्स, नेहा मैम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करा रही है। देन आपको सी लैंग्वेज की क्लासेस नितिन सर शाम को 8 बजे आपकी क्लासेस को करा रहे हैं। इंग्लिश की क्लासेस भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले, मे बी आपका मंडे ट्यूसडे तक इंग्लिश की क्लास भी एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाएंगी। और कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो बिल्कुल भी आप हमें इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करिए, हमारी टीम आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके आपकी क्लासेस को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेगी, पूरी हेल्प करेगी। कहीं भी किसी प्रकार की जो भी डाउट होगी आप हमें कॉन्टेक्ट करिए। ओके, तो डियर मैंने आज आप लोग को बताने की कोशिश की थी कि जो कंप्यूटर की कुछ बेसिक नॉलेज हमें पता है, आई होप आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी जो भी मैंने बताया आपको, कि बेसिक अगर आप किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, ओके, चाहे वो पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो, किसी भी बड़ी कंपनी में अगर आप वर्क करना और आपके पूरे के पूरे वर्क जो है आपके सिस्टम यानी कि लैपटॉप या किसी कंप्यूटर पे करना है, तो हमें ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें होगी और मैंने आपको बताया कि आपको कुछ जैसे कि कोर्स पता होना चाहिए बेसिक, तो ये सारी चीजें मैंने जान ली है कि मुझे बेसिक कंप्यूटर में ये एक वर्क करना होता है। अब इससे हम जान लेते हैं कि हम ऐसा कौन सा कोर्स करें जिसमें ये सारी की सारी चीजें हमें मिल जाए दोस्तों। तो जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे आपके कोर्स होते हैं, आप कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं। तो अगर जैसे आप करना चाहते हैं, बहुत से जो कोर्स होते हैं उसका टाइम ड्यूरेशन होता है कि आपके पास टाइम ड्यूरेशन कोर्स का भी होता है, आप लोग के पास भी अगर 200 जैसे आपका 6 मंथ का टाइम है, 3 मंथ का, 3 मंथ से आपके कोर्सेज स्टार्ट होते हैं। जैसे कि आप कोई सा भी कोर्स करते हैं, सबसे पहले जो आपका हो जाता है ट्रिपल सी जो है ये आपकी नाइलेट संस्था है, वो संस्था ट्रिपल सी का कोर्स कराती है। और आप लोगों को एक छोटे से इन्फॉर्मेशन दे दी कि जो भी स्टूडेंट अगर ओ लेवल पढ़ रहे हैं उन्हें अब ट्रिपल सी करने की भी आवश्यकता नहीं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा नाइलेट ने एक नियम लागू कर दिए है कि जो भी स्टूडेंट आप अगर ट्रिपल सी पढ़ना चाहते हैं और वो ओ लेवल कर रहे हैं तो वो ट्रिपल सी ना करें, क्योंकि अगर वो ओ लेवल कर रहे हैं तो उनको कंप्लीट नॉलेज ओ लेवल में मिल जाएगा। वो ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट की बात रहेगी तो वो सर्टिफिकेट को नैलेट की जो हमारी साइड है उस साइड पे जाकर के वो आराम से डाउनलोड कर, तो उनका ट्रिपल सी भी हो जाएगा, देन उनका ओ लेवल की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओ लेवल का एग्जाम देंगे, ओ लेवल का सर्टिफिकेट। ओके, तो ये सारी चीज जो मैंने कोर्स की बात की, हम ऐसे कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, जैसे आपके बहुत से कोर्स होते हैं, आप एडीसीए का कोर्स कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, आप बीसीए का कोर्स कर सकते हैं, आप ओएमसी का कोर्स कर सकते हैं, आप टाइपिंग सीख सकते हैं, तो बहुत सारे आपके ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनको आप कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 ईयर का टाइम है तो आप ओ लेवल भी कर सकते हैं, ओ लेवल आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए बहुत ही मस्ट होता है, आप ये भी कोर्स कर सकते हैं। आप टैली का कोर्स कर लेंगे जो आपका कम्प्लीटली आप क्या होता है अकाउंटिंग, आपका डीएफए का कोर्स कर सकते हैं, डीएफए आपका मिल जाएगा कम्प्लीटली आपका फंडामेंटल, इसमें आपको फंडामेंटल और टैली दोनों मिल जाएगा, डीएफए यानी डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका होता है। तो ये कुछ आपको मैंने एग्जांपल दे दिया कि ये सारे कोर्सेज होते हैं, अब आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों कि आपको कौन सा कोर्स करना है, आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो लेकिन करना तो है क्योंकि कंप्यूटर की बहुत ज्यादा डिमांड है। आप कहीं भी जाएंगे कंप्यूटर आपको पूछना ही पूछना है, चाहे आप कोई भी एग्जाम बेसिक्स का दे रहे हो
या फिर आप जो भी कर रहे हो, तो कंप्यूटर आप लोग सीख लीजिए और बढ़िया सा। कंप्यूटर सीखने में आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी होती है तो बिल्कुल परेशान नहीं, क्योंकि आपका जो अपना परिवार है ये पूरा कम्प्लीटली तैयार है जिस भी तरीके से आपको क्लासेस करनी। ऑनलाइन अगर आप करना चाहते तो ऑनलाइन भी कर सकते, ऑफलाइन करना चाहते तो ऑफलाइन कर सकते। आई होप आप लोगों को जो भी मैंने सारी चीजें बताई हैं वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप लोगों को सारी की सारी चीजें समझ में आ गई दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग अभी इस चैनल से जुड़े नहीं है वो लोग इस चैनल से जुड़ जाएं, ताकि उनको इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें अपडेट टू अपडेट मिलती रहेंगी। तो जब आप लोग इस चैनल से जुड़ेंगे तभी तो आप लोग को अपडेट टू अपडेट चीजें मिलती रहेंगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लोग तक भी पहुंच सके, जो लोग अभी तक बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं मुझे अभी ये कोर्स करना है वो कोर्स करना है। ओके, ऐसे ही मैं एक नए वीडियो के साथ फिर आप लोग के साथ ऐसे ही मिलूंगी। तो आई होप आप लोग का प्यार आशीर्वाद ऐसे बना रहे हमारे परिवार, हमारी पूरी टीम पे। तो हम आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए चीजें लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।